फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे 15x40 का एक नक्शा है, यानी कि प्लॉट है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अगर घर बना रहे हैं या फिर आप घर बनाना चाहते हैं, तो ये साइज का जो नक्शा है यानी कि ड्राइंग्स है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इसका मैं आपको कॉलम की पोजिशन से लेके उसके साइज वगैरह आपको बिल्कुल फुल डिटेल देने वाला हूँ, जो कि आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से या फिर किसी इंजीनियर से लेते हैं कंसल्ट के द्वारा, हर एक चीज मिलेगी। वीडियो ये लंबा रहेगा, एक चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा शानदार और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, ठीक है। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है हमारे पास साइज 15x40 के प्लॉट का। अब देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका जो फेस है वो है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ फेसिंग। अब 6 फीट 8 इंच ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब यहां से इसकी स्टेयर ऊपर जाती है। कॉलम्स की पोजीशन आप यहां देख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको सेंटर लाइन भी बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है, यहां पर गेट से हम जैसे अंदर जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है गेट। अब यहां पर हमारा ड्राइंग हॉल आता है, जिसका साइज है 14 फीट 4 इंच बाय 11 फीट का। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक आर्च, आर्च के सहारे हम अंदर जाते हैं। अब देखिए, जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमें एक टॉयलेट मिलता है, यानी कि टॉयलेट का मीन्स आपका यहाँ पर कॉमन रहेगा बाथ प्लस लेट। एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा, 7 फिट बाय 4 फिट इसका साइज हो जाता है। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये साइज आता है। यहाँ से हम बेडरूम की ओर निकल जाएंगे D1, और यहाँ से हम किचन की ओर जाएंगे। किचन का साइज हम देखते हैं, वो है हमारा 7 फिट 4 इंच बाय 6 फिट 2 इंच, और यहां से हमें वॉश के लिए कुछ एरिया मिल जाता है जो कि 3 फिट है। और यहां पर हमारा जो डोर रहेगा, और यहां पर एक विंडो आएगी जो कि वॉश, यानी कि हम यहां पर ओपन छोड़ सकते हैं, तो यहां पर विंडो भी आएगी। अब जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं तो बेडरूम देखते हैं लास्ट में, जिसका साइज है 14 फिट 4 इंच बाय 10 फिट का। अब हम इसको देख लेते हैं पूरा। देखिए यहां से हमारा ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले इसका फर्स्ट फ्लोर भी आएगा, अभी मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा। डोर 6 फिट 8 इंच का हमारा ये फ्रंट हो जाता है जो डोर के पास है, यानी मेन गेट के पास है। यहाँ से अंदर ड्राइंग हॉल, टॉयलेट, किचन, वॉश और बेडरूम। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर इसका, यहाँ से हमारी जो स्टेयर थी ऊपर आती है और डाउन जाती है। यहाँ पर हमें वालकनी मिलती है, जिसका साइज है 6 फिट 6 इंच बाय 7 फिट का। यहां से हम अंदर जाते हैं तो सेम हमारा ड्राइंग प्लस हॉल 14 फिट 4 इंच बाय 11 फिट का। यहां पर टॉयलेट जो कि यहां रहेगी। अब देखिए टॉयलेट आर्च हमारा यहां पर हो गया। टॉयलेट की भी सेम पोजीशन, किचन, वॉश और बेडरूम ये सेम पोजीशन में हो गए। इस हिसाब से आप दोनों को देख सकते हैं। अब हम यहां से देखते हैं इसके कॉलम्स की पोजीशन। देखिए सबसे पहले हमारे जो कॉलम्स है, सेंटर लाइन प्लान है उसका सेम, मैं आपको यहां से बता देता हूं। फर्स्ट हमारे यहां से कॉलम थे, मैं आपको इसके आगे डिस्क्राइब भी करूंगा कि किस तरह से है। सेकंड C1, C1, यहां पर P1, 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 ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। C2, उसके बाद C1, C2, यहां पर C1, C1। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको पूरा अच्छे से दिखाने के लिए कुछ इस तरह से कर देता हूं। अब जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, हमारे यहां पर स्टार्ट होते हैं, ये हमारे दोनों कॉर्नर हो गए। हमने यहां पर बीच में एक दिए, कारण क्योंकि हमारी स्टेयर आई हुई थी। इनका जो है डिस्टेंस प्लस सब कुछ, अभी धीरे धीरे हम हर एक चीज देखेंगे। यहां से C1 C1 दिए हमने, इनके साइज भी मैं बताऊंगा, आप ये चीज समझ लीजिए, और इनकी जो डिस्टेंस है कितनी है, ये सभी चीजें जैसे कि दिया गया। अब हम यहां से चलते हैं। यहां से हमने इस कॉलम के बीच जो सेंटर लाइन है, मतलब सेंटर इसका कितना है, वो है 7 फिट 2 इंच। यहां से हम अगला जो कमरा जाते हैं तो उसके लिए 11 फिट 4 इंच सेंटर लाइन है हमारी। हम आगे की ओर जाते हैं तो हमारी होती है 10 फिट 10 इंच की सेंटर लाइन, और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी होती है 10 फिट की सेंटर लाइन। अब हम पूरा, हमारे पास पीछे साइड 15 फिट का है।
ये थोड़ा सा लगता होगा आपको, लेकिन इसमें कॉलम क्या क्या साइज के देना है ये भी मैं जब बात करूंगा अभी इसके बाद, तो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। जब लेआउट डालते हैं तब ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, मतलब आपका जो लास्ट कॉर्नर है, लास्ट फेस है, यहाँ से ये यहाँ तक का हमारा 6 इंच आएगा, जिससे आपको गुनिया मिलाने में या फिर आपको सही से मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ से सेंटर लेते हैं तो वो हमारा 7 फिट आता है यहाँ, और यहाँ से 1 फिट 2 इंच। अब देखिए कारण क्या है, एक कॉलम यहाँ पर है उस कारण या इस वजह से हमने 7 फिट यहाँ पर दिखाए हैं। सेकंड उसी लाइन पर आता है, लेकिन जो थर्ड है हमारा आगे आता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। दोनों एक ही लाइन में नहीं है, इस कारण हम यहाँ पर भी लाइन डालेंगे, यानी कि लाइम या चूना वगैरह डालेंगे जिससे लाइन से मेजरमेंट हमारा हो, तो वहां से 1 फिट 2 इंच आता है हमारा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर 5 फिट 10 इंच आता है यहाँ से, क्योंकि सेंटर, और फिर 6 इंच, जिससे आपको क्या है मिलाने में या फिर मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम ये सभी चीजें करते हैं। यहां तक 40 फीट है और यहां तक 39 फीट 8 इंच है, यानी 5 फीट 10 इंच यहां हो जाता है। अब यहां से आप समझ चुके हो, लेकिन अब यहां पर C1 C2 ये क्या है, ये चीजें समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो साइज है 15 फीट बाय 40 फीट का है, और इसका ये चीज भी है कि जो डायगोनल आएगा, यानी कि क्रॉस हम यहां से यहां लेते हैं, तो 42 फीट 9 इंच आएगा। अगर ये आ जाता है आपका, तो आपका जो प्लॉट है या उसकी प्लॉटिंग हमने सही किए हैं और करेक्ट है, हमसे वर्क हमारा सही दिशा में वर्क जा रहा है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा कॉलम है ये क्या साइज का है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फुटिंग जो है वो भी क्या साइज की होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ कॉलम इसमें देखिए, C1 जो रहेगा आपका 8x12 का रहेगा, जिसमें 12 mm की 4 रहेगी और 10 mm की 2 रहेगी। ये सब चीजें लोड पर डिपेंड करती है, इनके प्रॉपर डिजाइन होते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा, या फिर आप समझते हैं तो ही डिजाइन करें कि कितनी स्टोरी है, किस हिसाब से जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये डिजाइन भी कैसे होते हैं समझाना चाहिए, बताना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताएं, जिससे मैं आपके लिए ये चीजें भी लेकर आ जाऊं। तो 6 mm 7 इंच सेंटर टू सेंटर है यहाँ पर, ये चीज आपको समझना होगा कि 8x12 का इसका कॉलम का साइज है, जिसमें 4 12 mm के और 2 10 mm के हैं, और 6 mm जो है वो सेंटर टू सेंटर है 7 इंच। अभी 8 mm का भी करते हैं, तो ये आपको देखना है कि कितना स्टिरप्स या टाइस वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो आप कौन से साइज की लगाना है। अब C2 की बात करें तो आपका 8x8 का रहेगा C2, जिसमें 4 नंबर 12 mm डाया रहेंगे, 6 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा 7 इंच। अगर हम P1 की बात करें तो ये रहेगा हमारा 10 इंच का डाया, 4 10 mm के रहेंगे, ये भी सेम रहेगा। अगर हम इसके बाद बात करें शेड्यूल ऑफ फुटिंग्स की, तो यहाँ पर आप फुटिंग्स के बारे में भी एक देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। C1 और C2 इनकी जो एक्सकेवेशन होगा हमारा, जो मिट्टी की खुदाई, वो होगी 4.5 फिट बाय 4.5 फिट। यहाँ पर जो फुटिंग का साइज रहेगा 4x4 रहेगा। इसमें देखिए रेनफोर्समेंट जो है इसका 10 mm 9 नंबर और 10 mm 9 नंबर दोनों साइड आ रहे हैं, और इसकी जो 8 इंच H1 और H2 जो हम हाइट वगैरह और डेप्थ देते हैं, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें F2 C2 जो आएगा हमारा सेकंड पे, 4x4 का साइज रहेगा, जिसमें फुटिंग का साइज जो है हमारा वो रहेगा 3.5 फिट बाय 3.5 फिट, 10 mm 8 नंबर रहेगा इसमें। अब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, लेकिन आएगा कैसे ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें देखिए जो रेनफोर्समेंट रहेगा हमारा, अगर हम 8x12 के साइज की बात करें तो वो कुछ इस हिसाब से आपका आएगा, जैसे कि 8 आपका ये हो जाता है विड्थ, एंड अगर लेंथ की बात करें या फिर लेंथ और विड्थ की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 12 इंच। C1 की बात हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसमें चारों कॉर्नर पर जो है हमारे वो आ जाते हैं, हमने जैसा कि देखें 4 नंबर 12 mm है, और जो जो बीच में हम डाल रहे हैं वो है 2 नंबर 10 mm डाया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 8x8 की,
जो 8x8 का रहेगा हमारा C2, इसमें आपने देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं इसका बता चुका हूं। और जो P रहेगा हमारा, अब आपको कंफ्यूज या फिर आपको कंफ्यूजन बनता रहा होगा कि P1 क्या है, तो वो P1 देख लीजिए आप। यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर कॉलम है जिसके चार जो रहेंगे हमारे, 8 इंच का इसका डाया है और इस हिसाब से हमने इसको दिए हैं। अब मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ फुटिंग की पोजीशन। देखिए जो फुटिंग्स की पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारा यहाँ पर फुटिंग जाएगा जिसमें जो H है हमारा A है H1 हाइट और H2 ये हमारी सेकेंड हाइट है, यानी कि दोनों तो हमारी हाइट ही है लेकिन ये प्लस होती है। लेकिन यहाँ से हमारा क्या होता है कि एक ट्रेपोजाइडल शेप होता है, उस कारण हमें ये चीजें मेजरमेंट करना होता है और दिखाना होता है। ये हमारा एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है सेक्शन। PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है हमारा, जिसमें 1:3:6 का रहेगा और यहाँ पर हमारे टोटल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो RCC है हमारा, RCC का वर्क यहाँ पर होगा 1:2:4 का और ये सभी अलग अलग कंडीशंस पर, सॉइल की कंडीशंस पर दिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के आपके वीडियो मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर किसी के लिए हेल्पफुल होता है तो उसे शेयर अवश्य करें। आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।